तो ये जो गांव उस टाइम पे होता था भाई, आज से 150-200 साल पहले वो कुछ ऐसा दिखता था। ये इनके घर होते थे छतड़े वाले। तो ये जो आपको एक तंगा सा दिख रहा है ना भाई, ये दरअसल तंगा नहीं है, ये बुग्गी है। तो इस तरह के कंचे होते थे भाई, हम मतलब अभी भी गोलियां खेलते हैं, लोग कंचे खेलते हैं, बंटे के जिनको बोलते हैं। ये इनका जज दिखता था भाई उस टाइम पे, जो कोर्ट बैठती थी ना, तो वो कोर्ट ऐसे होती थी। तो ये आज से लगभग 150-200 साल पहले कुछ ऐसा इनका स्कूल दिखता था भाई, ये देखो। तो ये जो आपको एक कमरा सा दिख रहा है, कोई कमरा नहीं है भाई, ये एक जेल है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये उस टाइम पे इनकी जेल होती थी। तो इस तरह का कुछ इनका जो है पुलिस वाला दिखता था उस टाइम पे भाई, आज से 150-200 साल पहले। ये उसकी राइफल्स वगैरह रखी हुई हैं, हथकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो भाई आज दिखाऊंगा थारते जो पुराना शहर वगैरह था ना अमेरिका के अंदर, या गांव बोल लेकर था जिसने, वो किस तरह के दिखा करते थे। तो आज ये ओल्ड टाउन सैन डिएगो का है भाई, इसमें दिखाऊंगा किस तरह का ये दिखता था आज से लगभग 150-200 साल पहले अमेरिका कैसा होता था, कैसे घर होते थे, कैसे लोग रहते थे, सारा कुछ दिखाऊंगा भाई। तो इस तरह से ये गाँव की एंट्री होती थी। इसको ओल्ड टाउन इसलिए बोलते हैं कि पुराना नगर, पुराना शहर ना, लेकिन शहर या नगर नहीं होते थे, छोटे छोटे गाँव होते थे भाई, ये ऐसे दिखते थे। अच्छा, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना भी, मैं एक जो इल्लीगल डोंकी मार के भाई आते हैं उनको बताना चाहता हूँ, जो भाई तिखुआना बॉर्डर से आते हैं, मतलब कि अंग्रेजी में तो TIJUANA ये लिखा होता मैक्सिको में, इसको स्पेनिश में तिखुआना बोलते हैं। तो तिजुआना नहीं होता, वो तिखुआना होता है, क्योंकि जो स्पेनिश उसमें जे ना, जे को एच बोलते हैं ये लोग। जैसे एक सिटी हो रहा है सैन होसे, तो जबकि उस सिटी को अंग्रेजी में सैन JOSE लिखा जाता है, लेकिन बुलती वो सैन होसे के नाम से है। तो उन भाइयों के लिए जो डोंकी लगा कर आते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस तरफ बैठ जाते हैं, वो बसें खड़ी हुई है ना, उनको लगता है कि उनको जैसे किसी को सैक्रामेंटो जाना है, किसी को फ्रेशनो जाना है, या लॉस एंजलिस जाना है, तो वो उन बसों के वहाँ पर बैठ जाते हैं कि बस यहाँ आएगी। तो उनको वहाँ नहीं बैठना है, उनको ये वहाँ से क्रॉस करनी है सड़क यहाँ से। और ये देखो, ये फ्लिक्स बस खड़ी हुई है, ये लोग चढ़ने वाले हैं। तो जो भी हरियाणा, पंजाब, गुजरात से लोग आते हैं ना, उनको सैन डिएगो के ओल्ड टाउन जो सेंटर है ना, उस जो बसेज वहाँ पर दिख रही है, वहाँ पर नहीं बैठना है। उनकी बहुत सारे लोगों की बसेज मिस होती हैं वहाँ पर बैठने की वजह से, उनको लगता है कि बसेज वहाँ से जाएंगी। नहीं, आपको ये जो इसके बिल्कुल बस स्टॉप के अपोजिट में डायरेक्शन में आना है, जहाँ पर ये ओल्ड टाउन लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ मैं, इसके बिल्कुल साथ में रेड लाइट है यहाँ पर, ये फ्लिक्स बस और ग्रे हाउंड, ये दो बसेज लोग बुक करते हैं। तो यहाँ से आपको बस मिलेगी सैक्रामेंटो की, फ्रेशनो की और लॉस एंजलिस की। तो यहाँ पर आप लोगों ने आना है। तो अभी मैं आपको ये ओल्ड टाउन दिखाऊंगा, और ये जो गांव था किस तरह से दिखता था, ये लगभग 200 साल पुराना गांव है। इसमें दुकानें कैसी होती थी, स्कूल्स कैसे होते थे, वो मैं सारा दिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। तो ये जो गांव उस टाइम पे होता था भाई, आज से 150-200 साल पहले वो कुछ ऐसा दिखता था। ये इनके घर होते थे छतड़े वाले। शराब की वजह से या फिर बाहरी खान पान की वजह से लीवर की समस्या आम हो गई है। भूख न लगना, खाना न पच पाना और गैस बनना आदि लीवर की समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हिमालय नेचुरल कंपनी का बायोल्यूटोनिक प्रयोग करें। मुझे भी इस टोनिक से बहुत बार फायदा हुआ है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे हमारे गाँव में छतड़े वाले घर होते थे पहले, उसी तरह के इनके छतड़े होते थे। तो ये नीचे ईंटें वगैरह लगाते थे उस टाइम पे। तो यहाँ से तो अभी ये शायद ये बंद है घर, किसी और घर का दिखाऊंगा आपको। तो इस तरह के कुछ दिखते थे, ऊपर से कुछ इस तरह से इनकी छतें होती थी। तो मिट्टी के ही घर होते थे उस टाइम पे भी। ये तो शायद इनमें तो फिर भी कुछ ना कुछ इन लोगों ने यूज़ किया हुआ है, कंक्रीट वगैरह। तो इस तरह के कुछ होते थे। तो एक घर ये है भाई, इस तरह के घर दिखते थे उस टाइम पे, इस तरह से लोग रहते थे जैसे। लेकिन हमारे से थोड़ा सा एडवांस थे ये लोग, इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ कि इनकी जो इंजीनियरिंग है वो थोड़ी सी बेटर है। कहने का मतलब क्या है, इन लोगों ने अच्छी मटेरियल का भी यूज़ कर रखा है, और उस टाइम से तभी ये घर इतने टाइम से खड़े हुए हैं भाई। तो इस तरह का ये गांव दिखता था उस टाइम पे। एक घर ये है भाई। तो देख लो आज अमेरिका कहाँ पहुँच गया, और भाई और ये उस टाइम पे कैसे दिखते थे घर, कैसे इन लोगों ने शुरुआत करी। तो बेसिकली तो ये जो एरिया था ना कैलिफोर्निया का, बहुत सारा एरिया मेक्सिको का एरिया था।
लेकिन जैसे ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, इन लोगों ने क्या किया, कॉन्कर किया एरिया को, तो अपना दायरा बढ़ाते चले गए। तो कैलिफोर्निया का काफ़ी सारा हिस्सा जो पहले मैक्सिको का था ना, यहाँ पर भी मैक्सिकन लोग होते थे, तो इन लोगों ने इनको खदेड़ दिया और अपनी जो सीमा है वो बढ़ा ली काफ़ी दूर तक। तो मैक्सिको दरअसल पहले ज़्यादा फैला हुआ था और ब्रिटिश कॉन्कर होने की वजह से ब्रिटिश लोगों ने इसको खूब कॉन्कर किया, तो इस वजह से भाई इसकी जो एक तरह से बाउंड्रीज है वो छोटी रह गई। तो ये आज से लगभग 150-200 साल पहले कुछ ऐसा इनका स्कूल दिखता था भाई, ये देखो मैसन स्ट्रीट स्कूल म्यूज़ियम। तो इन लोगों ने म्यूज़ियम बना दिया इसको, हालांकि बंद कर रखा है, ये सिर्फ एक या दो कमरे का ही स्कूल होता था उस टाइम पे, आबादी नहीं थी पहली बात तो, और जब आबादी नहीं थी तो बच्चे भी कम थे, तो इस तरह का एक कुछ स्कूल दिखता था भाई इनका उस टाइम पे। ये स्कूल है आज से लगभग 150-200 साल पहले। तो एक बिल्डिंग ये है भाई, इसकी हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ, ये आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। 1835 में लगभग इसका जो है निर्माण किया गया था, और बाद में रिमॉडलिंग वगैरह की हिस्ट्री दे रखी है। अंदर दिखाता हूँ आपको इसके क्या है। तो ये घर था किसी का उस टाइम पे, तो इस तरह से ये घर दिखता था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये किसी कारीगर का घर था। आप देखोगे यहाँ पे चरखा रखा हुआ है भाई, ऊपर ऊन बुनी हुई रखी है, तो कोई कारीगर होगा उस टाइम पे। ये उसका खाने का रखा हुआ है, खाने की टेबल किस तरह से दिखती थी उस टाइम पे। तो ये घर को उसी तरह से इन लोगों ने प्रिजर्व करने की कोशिश की है, इस तरह से घर दिखता था। ये इस तरह से इनके घर के जो बर्तन वगैरह होते थे उस टाइम के, दिखा देता हूँ, ये रखे हुए हैं, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो उस टाइम पे यूज़ होते थे वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। और ये इधर इनका कुछ स्टोरेज कैसे करते थे लोग, जैसे हमारे पुराने टाइम में होते थे मिट्टी के बर्तन वगैरह, तो सेम इसी तरह इन लोगों का भी होता था। और नीचे इनके और जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जिससे कि गेहूँ चावल कूटने के लिए, तलने के लिए, वो बर्तन वगैरह उस तरह से रखे हुए हैं इन लोगों ने। ये देखो लहसुन वगैरह भी इन लोगों ने दिखाया कैसे लोग उस टाइम पे स्टोर करते थे। तो इस तरह से एक घर की पूरी बनावट होती थी भाई, इस तरह से कोई भी एक घर के अंदर उस टाइम पे रहता था। इसका शायद एक दूसरा पार्ट उधर से देखता हूँ अगर दिखता है कुछ। तो ये इसी घर का बेडरूम है भाई, इस तरह से कुछ इनका बेडरूम दिखता था। ये इनका बेडरूम होता था, ये एक बेड ये लगा हुआ है और एक बेड वो लगा हुआ है। साथ में नीचे देखो कुत्ते या बच्चे के लिए अगर वो रखना था उसके लिए भी जगह है नीचे बेड के नीचे ना, बच्चे के लिए होगी शायद तो, लेकिन ये लोग कुत्ते से भी प्यार करते हैं तो बड़ा कुत्ते के लिए भी हो सकती है भाई। वो चेयर रखी हुई है पुराने टाइम की और दो बेड इस घर के अंदर रखे हुए हैं इनके बेडरूम के अंदर। इस तरह से इनका बेडरूम दिखता था। तो ये जो आपको कोई कमरा सा दिख रहा है, कोई कमरा नहीं है भाई, ये एक जेल है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये उस टाइम पे इनकी जेल होती थी, जो भी कैदी होता था ना उसको इस तरह की जेल होती थी, इसमें रखा जाता था। तो एक तरफ से तो ये ऐसी दिखती है, दूसरा दिखा देता हूँ आपको, इधर से इसमें थोड़ा स्पेस है तो आपको दिखा देता हूँ। इधर से कुछ ये ऐसी दिखती है भाई, अगर आप देखोगे ना, ये इसके तख्त वगैरह रखे हुए हैं, जो कैदी होता था उसके लिए तख्त रखा हुआ है, और वो देखो उसके लिए जो है टॉयलेट पेशाब वगैरह के लिए वो एक डिब्बा सा रखा हुआ है। तो ये जेल थी इस तरह से, ये दूसरी साइड से इस तरह से दिखती है, उस टाइम की जेल थी ये। तो ये जो है ये मेयर का ऑफिस है भाई, मेयर का ऑफिस ऐसा कुछ दिखता था उस टाइम पे, आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से इनका मेयर का दफ्तर होता था। आज अमेरिका कहाँ पहुँच गया भाई, और उस टाइम पे देख लो क्या होता था। तो इस तरह का कुछ इनका जो है पुलिस वाला दिखता था उस टाइम पे भाई, आज से 150-200 साल पहले। ये उसकी राइफल्स वगैरह रखी हुई हैं, हथकड़ियाँ रखी हुई हैं, ये इस तरह से पुलिस वाले का दफ्तर दिखता था आज से 150-200 साल पहले। ये इनका जज दिखता था भाई इस टाइम पे, जो कोर्ट बैठती थी ना, तो वो कोर्ट ऐसे होती थी। 1847 में दिखता था ऐसा भी कोर्ट, ये यहाँ पे कैदी वगैरह बैठता था, ठीक है। और सामने इधर ये जो कुर्सियाँ दिख रही होंगी, इन पे जो है शायद वकील वगैरह बहस करते होंगे। तो ये 150-200 साल पहले ऐसा दिखता था भाई कोर्ट रूम इनका। बाहर दिखा देता हूँ कैसा है, ये दूसरा एंगल है भाई। तो बाहर ही ऐसा दिखता था गांव, ये गांव का जो सेंटर पॉइंट है दरअसल,
ये कुछ ऐसा बाहर गांव दिखता था भाई, ये कुछ इस तरह की इनकी दुकानें दिखती थी, ये दुकानें हैं सारी की सारी। और बीच में जो है इन लोगों का ये झंडा लगा हुआ है, दिखाऊंगा, ये हिस्टोरिकल झंडा है भी। और ये बाकी दुकानें हैं, और पीछे इनके जो है घर वगैरह भी हैं, इनके दुकानों के साथ साथ पीछे की तरफ घर होते हैं। तो इस तरह का ये गांव दिखता था भाई। तो ये इनका कोर्ट ऐसा दिखता था, ऐसा कोर्ट हाउस होता था, और ये दुकानें मार्केट आई इनकी। छोटे सा गांव था, ये गांव है, और गांव के बीच में ये थोड़ी सी जगह होती थी जहां पर ये लोग झंडा फहराते थे। तो इस तरह का कुछ आज से लगभग 150-200 साल पहले अमेरिका दिखता था भाई। ये गांव है, छोटा सा तो दिखा रहा हूँ। तो भाई वीडियोज़ कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार। तो पुराने टाइम पे सामानों को रखने के लिए कुछ इस तरह के लकड़ी के कंटेनर्स ये लोग यूज़ करते थे भाई। ये इनकी कोई पुरानी आर्ट रखी हुई है, देखो इन लोगों ने, और ये कुछ कंटेनर्स ये रखे हुए हैं, और कुछ कंटेनर्स ये रखे हुए हैं भाई। ये एक बहुत पुरानी सिगरेट की दुकान है, तो दिखाऊंगा अंदर क्या क्या सामान इसके मिलता था, किस तरह से होती थी चीज़ें। इस तरह से इनका जो है एक डाइनिंग एरिया और लिविंग रूम होता था उस टाइम पे भाई। ये रखे इन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से इनका लिविंग एरिया होता था, और सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है इधर, डाइनिंग वगैरह के लिए रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल है, एक डाइनिंग टेबल ये है। तो इस तरह से इनका लिविंग स्पेस होता था उससे लगभग 150-200 साल पहले भाई। ये इन लोगों ने दिखाया हुआ है कि फसलें वगैरह काट के कैसे रखते थे, या चीज़ों को कैसे रखते थे, पेंटिंग्स करी हुई हैं। और ये इनके पुराने वेसल्स, बाल्टियाँ, इस तरह से चीज़ें रखी हुई हैं। ये स्टोर करने के लिए इन्होंने कंटेनर रखे हैं। तो इस तरह का एक लिविंग स्पेस दिखता था पुराने टाइम में भाई। तो इस तरह का इनका किचन दिखता था भाई पुराने टाइम में। ये देखो इनके बर्तन वेसल्स वगैरह रखे हैं, वो इनकी चिमनी और ओवन वगैरह है वहाँ पे, इस तरह से बनाई करते हैं। ये टेबल थी इनकी उस टाइम पे। वो देखो वो डमी रखे हुए हैं, अंगूर वगैरह, संतरे वगैरह। और इस तरह से इनकी एक वो कबर्ड वगैरह था। इस तरह का कुछ किचन दिखता था भाई इनका पुराने टाइम में। तो ये जो आपको एक तांगा सा दिख रहा है ना भाई, ये दरअसल तांगा नहीं है, ये बुग्गी है। ये पुराने टाइम की बुग्गी है, इसके चक्के दिखा दूँगा अपने मैं। ये बाहर तो इसमें लोहे का प्रयोग हो रहा है बढ़िया वाला, और अंदर इसमें जो है लकड़ी लगा रखी है इन्होंने। तो इसका एक्सल है ये, इसका पहिया ऐसे होता था भाई, ये इसका दूसरी तरफ है। तो इसमें लोग अपना सामान वगैरह कैरी करते थे, जैसे हमारे वहाँ पर तो बुग्गी होती थी जो कार्ट है, उसमें हम लोग बैल और बैल को जोड़ते थे आगे, और साथ में जो है हमारे वहाँ पर तो जोटा बोलते हैं, भैंसा बोलते हैं कई जगह पर, हरियाणा में तो जोटा बोलते हैं भाई। तो इस तरह से इनकी बुग्गी होती थी, ये शायद घोड़े वगैरह यूज़ करते थे इसको पुल करने के लिए। तो ये इस तरह से इनकी बुग्गी दिखती थी भाई। आज से लगभग 150-200 साल के बीच, 1800 के आसपास की बातें हैं ये। तो इस तरह से इनकी ये कार्ट दिखती थी, बुग्गी दिखती थी भाई। तो इस तरह के कंचे होते थे भाई, यहाँ मतलब अभी भी गोलियां खेलते हैं लोग, कंचे खेलते हैं, बंटे के दिन को बोलते हैं। ये देखो लाइटर्स रखे हुए हैं भाई इनके, कितनी तरह के लाइटर्स हैं भाई। ये सारे लाइटर्स हैं भाई, कितने डिफरेंट टाइप के लाइटर्स हैं देखो। ये कंटेनर रखे हुए हैं भाई शराब वगैरह के लिए। ये सिगार आ गए भाई, सिगार रखे हुए देखो। कितनी तरह के सिगार रखे हैं भाई देखो। तो स्मोकिंग के बड़े तगड़े दीवाने हैं लोग भाई, बहुत तगड़े दीवाने हैं स्मोकिंग के। ये भाई पुराने टाइम की बंदूकें रखी हैं देखो, इनकी पिस्टल्स वगैरह कैसी होती थी ये देखो, क्या भी शानदार है यार।
ये मैंने ये बहुत अच्छी लगा बात भाई, ये प्रिजर्व करा मैंने जाना। ये देखो चाकू रखे हैं उस टाइम के हथियार। ये बंदूकें रखे हैं भाई, एक मूवी है पंजाबी उसमें वो बंदूकों के ऊपर ही है मूवी, तीन बंदूकें होती है पता नहीं तलवारें होती है उसमें। ये कुछ हथकड़ियाँ होती थी उस तरह, तो ये रखे हैं भाई। तो भाई 1830 के आसपास ये लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, इन लोगों ने अपने थिएटर बना रखे थे छोटे छोटे। तो इसी तरह का एक थिएटर है देखो, ज़्यादा बड़ा तो ये है नहीं, ठीक है अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इस तरह का इनका ये थिएटर दिखता था, इसमें लोग अपने प्ले वगैरह करते थे मनोरंजन के लिए, जैसे हरियाणा में सांग वगैरह करते थे पुराने टाइम में लोग मनोरंजन के लिए। तो इस तरह इनके थिएटर होते थे जिसमें अपने जो भी प्ले थे वो लोग करते थे उस टाइम पे। तो इस तरह का ये कुछ गांव दिखता था भाई। तो वीडियो कैसी लग रही है आपको यार, लाइक कर देना भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, पुराना अमेरिका दिखा रहा हूँ, और कमेंट करके बताना कि क्या आपको अच्छा लगा, और अगर पसंद आई है तो भाई शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो इस तरह की यहाँ की ये लोकल मार्केट दिखती है भाई, इस तरह से लोग आते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। इन लोगों ने छोटी छोटी स्टॉल्स लगा रखी हैं, जैसे एक स्टॉल ये है, और कुछ इन लोगों ने जो है ये ऐसे भी बना रखे हैं स्टैचूज टाइप में, कार्ट्स में लोग बिठा रखे हैं कैसे लोग काम करते थे दिखाने के लिए। ये इनकी छोटी छोटी स्टॉल्स हैं भाई, शॉपिंग अगर लोग यहाँ से अपना कुछ भी जो है सोवेनियर लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरह की छोटा सा गांव है, इसकी छोटी सी ये मार्केट है, और इसके अलावा छोटे छोटे यहाँ पर इन लोगों ने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। उन रेस्टोरेंट में अगर आपको भूख लगी आप खाना खा सकते हैं। तो इस तरह का ये छोटा सा गांव दिखता था भाई। तो पुराने टाइम पे प्रिंटिंग कैसी होती थी भाई कागज़ के ऊपर देखो, और वो कितनी मोटी छाल रखी हुई है कि पेड़ को काट के ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखो इस तरह से प्रिंटिंग होती थी भाई, ये प्रिंटिंग मशीन है उस टाइम की, पुराने टाइम की लगभग 200 साल पुरानी। इस तरह से प्रिंटिंग होती, प्रिंटिंग स्टोर ऐसा था भाई इनका ये। तो देखो कितनी प्यार से इन लोगों ने सहेज रखी है चीज़ें भाई। इधर देख दिखा देता हूँ, इसी मशीन का दूसरा पार्ट होगा। ये देखो इस तरह से प्रिंटिंग करते थे 200 साल पहले भाई, ये क्या यार शानदार मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने। तो गांव के अंदर ही भाई जो लोग जिन्हें भूख लग जाए उन्होंने छोटा सा एक एरिया बना रखा ईटरी वगैरह के लिए। तो इस तरह कुछ दिखता है, यहाँ जो है मैक्सिकन खाने की बहुत तरह की वैरायटी मिल जाएगी आप लोगों को। तो इस तरह का ये कुछ ईटरी वाला एरिया दिखता है, यहाँ पे इनकी शॉप्स भी हैं मैक्सिकन स्टाइल में, आपको अगर सोवेनियर्स वगैरह चाहिए तो उस तरह के मिल जाएंगे। और ये कुछ इस तरह का यहाँ जो है टोटल इलाका दिखा हुआ है, तो इस तरह का ये वो सारा का सारा जो है यहाँ एरिया दिखता है। ये इनकी दुकानें हैं, और इस तरह का ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ बैठ के आप रोटी वगैरह खानी है मैक्सिकन खाना खाना है वो खा सकते हो।